हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आज मैं बनाने जा रही हूँ मूली के पराठे। इसके लिए मैंने ये एक मूली ली है 1 kg, और अब हम इसको घिसेंगे। इस पे इस तरीके से आपको घिसना है। देखिए मूली को मैंने अच्छे से किस लिया है, किस के, और फिर ये बिल्कुल हमारी तैयार है। और आप चाहो तो इसमें पानी बहुत होता है और इसे हमें निकाल लेना चाहिए पानी इस तरीके से थोड़ा थोड़ा, ताकि ये ज़्यादा बनने के बाद, ये आटा लगाने के बाद ये पतला ना हो जाए, इसलिए थोड़ा बहुत पानी हम निकाल लेंगे इसका। देखिए काफी पानी होता है इसमें। गाइस आप देख सकते हैं लगभग लगभग पूरी कटोरी भर चुकी है। अभी भी इसमें ये धनिया पत्ती डाल दूंगी मैं इसमें, और जो मैंने इसके लिए जो ग्रीन चटनी बनाई है आंवला डाला मैंने इसमें, हरी मिर्ची है, धनिया है, काला नमक है, जीरा है, और इसमें डाल रही हूँ, इससे टेस्ट अच्छा आएगा। 3 चम्मच डाली है मैंने इसमें। मैं थोड़ी सी हींग डाल रही हूँ, अजवाइन डाल रही हूँ, क्योंकि जो ऑयली पराठे होते हैं उनमें अजवाइन डालने से हमें बादी नहीं होती, गैस नहीं बनती, इसलिए मैंने ये डाल दिया। और 1 चम्मच रेड चिल्ली डाली है। एक चम्मच धनिया पाउडर डाला मैंने, और इसमें स्वाद के लिए नमक डालेंगे। ये मैंने इसमें नमक डाला है, आप स्वाद के अनुसार चेक कर लीजिए और डालिए। और थोड़ा सा मैं इसमें ये गर्म मसाला डाल रही हूँ, ताकि इसका फ्लेवर अच्छा हो, स्वाद भी अच्छा है इसमें। और थोड़ा येल्लो फ्लेवर के लिए हम हल्का सा इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे। देखिए आधी चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाल दी इसमें। इस तरीके से फिर मैं इसमें आटा ऐड करूँगी और हम इसको अच्छे से, देखिए ये काफ़ी है हमारी फैमिली के लिए, ये 5-7 आदमियों के लिए पराठे बनेंगे इससे। इस तरीके से आपको सारे मिश्रणों को मिक्स कर लेना है अच्छे से। ये हो रहा है फिक्स, मिक्स हो जाएगा। इसमें आटा कम है अभी, थोड़ा आटा और ऐड करूंगी मैं इसमें। बस इतना ही आटा चाहिए। और ये जो मूली का जो हमने बचाया था, निकाला था, अब वो मैं इसमें डाल दूंगी, ताकि ये अच्छे से गुथ सके। देखिए गाइस हमारा आटा मूली का तैयार हो चुका है लग के, और मैं अब इसके गर्मा गर्म पराठे बनाने जा रही हूँ। ये देखिए ये पलेथन हमने ले लिया इसमें। और तवा गरम हो रहा है हमारा, जब तक मैं इसको बेलती हूँ। ये देखिए इसमें हमारी मूली लवा लब भरी पड़ी है, बहुत ही यम्मी टेस्ट आएगा। ऐसे आपको पलेथन लगा लेना है, पराठा चिपकता बहुत है, इसीलिए हमें इस तरीके से बेल लेना है।
और एक वृत्त आकार का हमें पराठा बना लेना है। और आप देख सकते हो तवा गरम था एकदम, और उस पे हमने डाल दिया पराठा हमारा पूरा नहीं आधा। गाइस देखिए हमने इसे पलट लिया है और ये हल्का हल्का सिक चुका है। अब हम इसे थोड़ा और सिकने देंगे दूसरी साइड से। पराठा हमारा देखिए सिक चुका है। अब हम इसमें ऑयल लगाएंगे। इस तरीके से आपको इसमें ऑयल लगा लेना है और फिर हमें इसे पलट देना है। गैस हमारा फुल फ्लेम पे है। इस तरीके से आपको बनाना है। आपको ऐसे जरूर करना है क्योंकि इससे बहुत अच्छा लुक आता है पराठे में, एक यम्मी जैसा होता है। और ये जो ग्रीन चटनी के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इसको ज़रूर बनाएं और अपनी फैमिली में ज़रूर खिलाएं बच्चों को, क्योंकि जो हम सब्जी बनाकर बनाते हैं पराठे वो अक्सर अच्छे नहीं लगते, बच्चे पसंद नहीं करते हैं। सब्जी मूली की बहुत कम खा पाते बच्चे। ये हमारा दूसरा पराठा भी जल चुका है, मतलब आप देख सकते हैं परांठा हमारा बन चुका है और दूसरा परांठा लाइन पे है। थोड़े दो चार बन जाते हैं फिर हम आपको दिखाएंगे पूरी तरीके से। ये मेरे परांठे, हमारे गाइस परांठे तैयार हो चुके हैं और अब ये खाने के लिए तैयार हैं। अब मैं परोसने जा रही हूँ, आप देख लीजिए बिल्कुल तैयार हो गए हैं। और गाइस ये हमारी चटनी ग्रीन चटनी के साथ से परोसे हैं इसको, बहुत ही टेस्टी लगेंगे, एकदम यम्मी है। और वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें, हमें बताएं हमारी क्या कमी है और लाइक भी करें, जो कमी है उसको हम सुधारेंगे। लाइक सब्सक्राइब करें वो मैं बोलने। थैंक यू गाइस। Bye bye guys.